हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं ICA की, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये टॉपिक वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसमें से दो तीन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को भी हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो आप उसको लाइक करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन की, बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है क्या। तो बेसिकली इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी पर डिपेंड नहीं है और ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश हुआ था 1895 में, 1895 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, टू यूनाइट रिप्रेजेंट एंड सर्व कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड। जो विश्व के डिफरेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव पर्संस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए ये बना था। बेसिकली इट प्रोवाइड्स ए ग्लोबल वॉइस एंड फोरम फॉर नॉलेज एक्सपर्टाइज कोऑर्डिनेटेड एक्शंस फॉर एंड अबाउट द कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव्स है, जो सहकारिता है, उसको ये एक आवाज देने का काम किया है फॉर द नॉलेज, फॉर द एक्सपर्टाइज एंड फॉर द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दिस ICA इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड, रिप्रेजेंटिंग 303 कोऑपरेटिव फेडरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस 105 कंट्रीज एज पर 2015, दैट रिप्रेजेंट नियरली 1 मिलियन इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। तो 105 से ज्यादा कंट्रीज इसके मेंबर हैं, या यूं कहें कि 105 कंट्रीज से इसके मेंबर्स बने हुए कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं, ठीक है। बेसिकली कोऑपरेटिव्स को डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक अपेक्स बॉडी का काम करता है। इसके मेंबर्स कौन हो सकता है? इसके मेंबर्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NCDC है, जैसे NABARD है, जैसे वेबनिकॉम है, ये क्या नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, NAFED है, ये इसके मेंबर हो सकते हैं, या इंडिविजुअल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी हो सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिसेज भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, मतलब इसके मेंबर हो सकते हैं। तो मेंबर्स ऑफ अलायंस आर नेशनल लेवल कोऑपरेटिव फेडरेशंस, इंडिविजुअल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज कंसर्न्ड विद द कोऑपरेटिव्स। बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस इज सिचुएटेड एट ब्रुसेल्स बेल्जियम, बट इट वॉज फाउंडेड इन लंडन इन 1985। जैसे कि बोला कि 1895 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे? लंडन में। लेकिन इसका प्रेजेंट में जो इसका हेड ऑफिस है वो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। ICA also has 4 regional offices in America, Europe, Africa, Asia, जो major सब कॉन्टिनेंट्स है उसमें इसका regional offices भी है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये कहाँ फाउंड हुआ था, इसके कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक और इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है कि ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ द जुलाई ईच ईयर, हर साल जुलाई का पहला जो शनिवार है उसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट सैटरडे ऑफ द जुलाई मंथ, व्हाइल यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2012 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये जो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे कोऑपरेटिव को जो है वॉइस प्रदान करता है, उसको एडुकेट करता है, उसको नॉलेज शेयर करता है, और उसके लिए रूल रेगुलेशन फ्रेम करता है, उसके लिए काम करता है। बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में भी लाइक दैट टू एनकरेज एंड डिफाइन द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव्स की जो कोऑपरेटिव्स
वुमेन की जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल है, उसको एनक्रेज करता है, उनको डिपेंड करता है, और टू स्टिमुलेट म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन बिटवीन इट्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। जिसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में बेनिफिशियल रिलेशनशिप को स्टिमुलेट करता है, उनको बढ़ावा देता है। टू फेवर द इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग टू सिक्योरिटी इंटरनेशनल फीस। जो इंटरनेशनल फीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को फेवर करता है, ऐसे इकोनॉमी को फेवर करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है टू प्रमोट ए वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल हेल्प एंड सेल्फ हेल्प एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और म्यूचुअल हेल्प सेल्फ हेल्प के आधार पर बेस्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस एंड अदर म्यूचुअल बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस। जिसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको फैसिलिटेट करता है, उनको हेल्प करता है। इट आल्सो प्रमोट ह्यूमन सस्टेन्ड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन डेवलपमेंट को भी ये बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को भी ये बढ़ावा देता है, चाहे वो इंडिविजुअल का ही क्यों ना हो। और टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन ऑल एक्टिविटीज विद इन द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। जो कोऑपरेटिव अलायंसेज है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, वहां पे वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है और डिसीजन मेकिंग में उसको बढ़ावा देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होता है, उसके लिए क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो यहाँ पे फंक्शंस जो है वो कई प्रकार के हैं। कि अलायंस एक्ट तो जो है अवेयरनेस अबाउट द कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देता है, मतलब वो अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों में कि कोऑपरेटिव्स को जानिए। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रीजनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडरस्टैंड द कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ एंटरप्राइजेस। द अलायंस इज द वॉइस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये जो आईसीए जो अलायंस है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक आवाज है। ये इट आल्सो इंश्योर द राइट पॉलिसी एनवायरनमेंट एग्जिस्ट टू एनेबल द कोऑपरेटिव्स टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ग्रो करें, प्रॉस्पेरिटी आए उनमें, उसके लिए एक राइट टाइप का पॉलिसी मेकिंग, राइट टाइप का पॉलिसी मेकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड इट्स मेंबर विथ की इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो अपने मेंबर्स को ये बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है और बेस्ट कॉन्टैक्ट भी बताता है टू इट्स पब्लिकेशन एंड इट्स इंश्योर द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे खुद का पब्लिकेशन के थ्रू ये जो है आप लोगों को इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। इसके लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होता है अक्रॉस द कंट्रीज, ये सब होता है। इट आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये अपने जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, जो अपनी स्कीम्स उसके तहत जो है टेक्निकल असिस्टेंस भी लोगों को देता है, लोगों को मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देता है, कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह की टेक्निकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है, ये उसको हेल्प करता है, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट का काम करता है अल्टीमेटली, और जॉब क्रिएट करता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम को एनक्रेज करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जाना कि आईसीए एक इंटरनेशनल लेवल का नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, इंडिपेंडेंट अलायंस बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व में एक सबसे बड़ा कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन या कंज्यूमर फेडरेशन जो कोऑपरेटिव बेस्ड हो वो इसके मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिस जो कोऑपरेटिव में काम करता है वो भी इसका मेंबर बन सकता है। इसके बहुत सारे फंक्शन है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है हर साल जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर जो है वो 2012 को डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस। इसके कुछ सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। तो जो आईसीए का सेक्टर है वो अनलिमिटेड है, वो हर सेक्टर में काम करता है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे किसी भी तरह के हाउसिंग हो, उस सारे सेक्टर में आईसीए काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो लुक्स इंफॉर्मेटिव, इफ यू बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर एग्रीबिजनेस, एंड कीप वॉचिंग डॉक्टर एग्रीबिजनेस। नमस्कार।